फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एसपीएल हेल्थ में। आज हम बनाएंगे ड्राई भिंडी मसाला, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटी बनती है और चपाती के साथ या चावल दाल के साथ खाने में मजा आ जाता है। मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता ना हो, हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी भिंडी बहुत पसंद है और इसलिए मैं आज बना रही हूँ और बहुत से लोग, आप लोग को भी पसंद होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने करीबन 250 ग्राम तक भिंडी लिया है। भिंडी को अच्छे से धो लिया है, पानी इसका निकल गया है। अब इस भिंडी को हम इस तरह से काटेंगे, इस साइड का कट करके निकाल देंगे। इस भिंडी को लंबा लंबा कटना है, ऐसे कट करेंगे, फिर ऐसे, फिर इस साइड से ऐसे, ताकि मसाला इसमें आ जाए। सारे भिंडी को हम इसी तरह से लंबा लंबा कट करेंगे। जो भिंडी ज्यादा छोटा है उसको हम दो पार्ट्स नहीं करेंगे। इस भिंडी का भी ये साइड का निकाल देंगे और ये काफी छोटा भिंडी दिख रहा है, इसलिए इसके दो पार्ट नहीं करेंगे। लंबी लंबी भिंडी देखने में भी अच्छी लगेगी। इस तरह से हमें सारे भिंडी कट्स कर लेना है, तो हम इसको फटाफट कट। तो सारी भिंडी को हमने इस तरह से कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था किस तरह से कट करना है। अब भिंडी को हम कच्चे भिंडी में हम फर्स्ट टर्मरिक पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून, वन टी स्पून धनिया पाउडर, इसको हम बस ऐसे ही कच्चा में ही डाल रहे हैं कोटिंग करने के लिए। और आप जितना स्पाइसी खाते हैं उतना रेड चिली पाउडर, आप यहाँ ग्रीन चिली का भी यूज कर सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक। इसको इस तरह से डाल के, बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है और चटपटी भी बन जाती है। इस तरह से हम कोटिंग मिला लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए हो गया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से कोट कर ले। फिर हम चलते हैं 2-3 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमने कढ़ाई रख दिया है, लोहे का कढ़ाई है, इसमें बहुत अच्छा बनता है। हम डालेंगे 2 से 3 स्पून तेल, मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल थोड़ा अच्छे से डाल देते हैं। तेल को गर्म होने तक 1 टीस्पून जीरा फोरन देंगे, 1 फोरन हमारा फूट रहा है, जीरा हो गया है। डालेंगे जिंजर और गार्लिक का, हमने जिंजर गार्लिक को फूट लिया था, आप चाहे तो पेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर लहसुन प्याज नहीं खाते तो ऑप्शनल है, आप लहसुन ना डालें, आप डायरेक्ट भिंडी को डाल के ऑयल में फ्राई कर लें। ये जिंजर और गार्लिक हल्का ब्राउन कलर हो गया है। हमने लिया है 1 मीडियम साइज का कटा प्याज और इसके साथ ही हम ये जो भिंडी का कोटिंग किया था वो हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। सारे मसाले हमने डायरेक्ट भिंडी में डाल दिया था, इसलिए अभी हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसको अच्छे से चलाना है और पकाना है। हमने इसको अच्छे से मिला दिया है मसाले को और बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसको मैं कवर एक बार हटा दी हूँ और चला के देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा हो गया है, कोटिंग पूरा हो गया है और अभी इसको थोड़ा और पकना है। तब तक के लिए मैं 4 से 5 मिनट के लिए और कवर कर दूंगी। बीच बीच में इसको हम एक एक बार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा भिंडी मसाला पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर भी अच्छा दिख रहा है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीजों से बना लिया हमने। हमने गैस ऑफ करेंगे और इसको अब हम सर्व करेंगे प्लेट में।
कितना इजी, सिंपल और बहुत ही चटपटी रेसिपी है। तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना देखते रहिए SPL हेल्थ चैनल, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया अभी तक, तो आप इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छी अच्छी और भी बातें बताई जाती है और रेसिपी तो बहुत अच्छा मैं बताती हूँ और आगे भी आपको बताती रहूंगी। तो हम मिलते हैं अपनी नई नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।